गाना था अरहम आनंद बंते जी ने बताया किन किन का गाथा है अरहम आनंद बंते जी। उन्होंने बताया चुगली करके क्रोधी मन से और कंजूसी लोग क्रोध करके चुगली करके कंजूस से रह के नष्ट होने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ कभी दोस्ती नहीं बनाता है बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ कभी दोस्ती नहीं बनता है। पापी लोगों के साथ संगत करना भी पाप है। श्रद्धावान और जो शीलवान है, प्रज्ञावान है, ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। श्रद्धावान, शीलवान, प्रज्ञावान लोग इस दुनिया में हैं। वे लोग धर्म भी अच्छी तरह जानते हैं। बुद्धिमान लोग, उन लोगों के साथ दोस्ती बनाना चाहिए। सत्पुरुष लोगों के साथ संगत करना सुंदर चीज है। समझ में आ गया है? इसका देखिए, नस हड्डी अच्छा से बना के कई प्रकार की बीमारियों से भरे हुए शरीर का सही स्वभाव को देखना चाहिए। कैसा शरीर को? हड्डी एवं नस से बना दिया, लेकिन ये पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक बीमारियों से भरा हुआ है। थोड़ा सा खाना खावे तो खाना का मिस्टेक से बीमार आ जाता है। थोड़ा सा हम लोग बारिश में नहीं जा सकते हैं, धूप लग गया तो उसमें प्रॉब्लम, पानी भी ज़्यादा लग गया तो उसमें भी प्रॉब्लम, फिर हम लोग को ज़्यादा पानी पी रहा तो उससे प्रॉब्लम, कम पानी पी रहा तो उससे भी प्रॉब्लम, ज़्यादा खाना खाए तो उससे भी प्रॉब्लम, कम खाना खाए तो उससे भी प्रॉब्लम, हम लोग जब से बैठ के रहेगा तो वो भी प्रॉब्लम, सोते रहेगा तो वो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा काम किया तो वो भी प्रॉब्लम, काम नहीं किया तो वो भी प्रॉब्लम। शरीर को हमेशा हर चीज़ में बीमार है। लेकिन अज्ञान लोग कई प्रकार की काम संकल्प वितर्क सोच के वितर्क करके ये शरीर अलग अलग प्रकार से सजाता है, लेकिन ये शरीर का स्थिर नहीं है, शरीर अनित्य है, जल्दी खत्म होता है। ये शरीर अच्छे से लपेट दिया किस चीज से? चमड़ी से। नस लपेट सकते हैं शरीर को? बहुत सारे हड्डियां इस शरीर के अंदर भरा हुआ है, लेकिन मोती मानिक आभूषण से सजाया है। बाहर से कई प्रकार के आभूषण से शरीर को सजाया। ये गंदगी शरीर सुंदर से इसीलिए दिखता है कि लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, सारे कपड़ा उतार दिया तो उसमें क्या सुंदर है। पैर रंग लगा दिया, पैर में रंग लगा दिया, लड़की लोग करता है ना, कलर लग काजल लग, पैर रंगता है। सुगंध पान खा के मुंह भी सुगंध कर देता है लोग। अज्ञान लोगों का मोह के लिए, अज्ञान लोगों के लिए तो वो चलेगा, लेकिन विमुक्ति खोज के जाने वाले लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। सिर पे कई प्रकार की डिजाइन डालते हैं, आंख में काजल लगाते हैं, अज्ञान लोगों का मोह के लिए वो अच्छा है। अज्ञान लोगों का मोह मतलब देखने में तुरंत आ सकता होता है ना, वो मोह है, फंस जाता है, वो मोह है। अज्ञान मतलब कौन है? जो समझदारी नहीं है, भगवान बुद्ध की ज्ञान जानते नहीं है।
उन लोग के लिए वो चलेगा, लेकिन धर्म जानने वाले बुद्धिमान लोग के लिए कोई मतलब नहीं है। ये गंदगी शरीर ऐसा है, सुंदर से सजाया हुआ गंदगी बर्तन जैसा है, एक बर्तन ने सुंदर सजाया है लेकिन अंदर पेकाना तुप ककार भरा भरा पूरा भर दिया, पेकाना तुप ककार पूरा भर के बाहर से एकदम सुंदर सोना चांदी से डिजाइन कर दिया। मूर्ख लोगों का मूर्खता के लिए वो सेट हो जाता है, मूर्ख लोग आराम से उसको उसमें फंस जाते, लेकिन विमुक्ति को खोज के जाने वाले ज्ञानी लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। हिरन शिकारी हिरन को मारने के लिए जाल बिछाया, लेकिन हिरन जाल में नहीं फंसा इस बार। शिकारी रोते रहते समय हम लोग खाना खा के भाग जाते हैं, इसका मतलब क्या है? शिकारी है पापी मार, हिरन है भगवान बुद्ध, हिरन है सारे लोग सभी लोग। तो पापी मार का जाल क्या है? पंच काम, रूप शब्द गंध रस स्पर्श, सभी लोग पसंद करता है उस पे आसक्त हो गया, पंच काम में आसक्त हो गया तो लेट होता है, यानी कि ध्यान करने का मन नहीं, थोड़ा सोएंगे अभी, थोड़ा आराम करेंगे अभी, खाली तो पेट बहुत भर गया अभी तो नहीं पढ़ेंगे, अभी रेस्ट करेंगे, अभी थोड़ा मजा से कुछ देखेंगे, अरे देखो उधर मजाक कर रहे हैं हम भी सुनेंगे, ऐसे ऐसे करके उसी पंच काम में मन बार बार जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध के रास्ते पे जाने वाले बुद्धिमान लोग पंच काम भी भोगता है, यानी खाना खा के अच्छे से कपड़ा पहन के सुंदर से रह के वो भी करता है, सुंदर से रहता है लेकिन उसमें फंसता नहीं है, ध्यान वगैरह भी काम करता है, इसीलिए वो शिकारी का जाल में फंसता नहीं। शिकारी का जाल थोड़ फोड़ के डाल दिया, लेकिन हिरन तो फंसा नहीं। शिकारी रोते रहते समय हम लोग दुख अफसोस करते रहते समय हम लोग खा के भाग जाते हैं, शिकार। गौतम गोत्र में जो जन्म लिया है वो भिक्षु बहुत सुंदर से प्रवचन देते हैं, कौन है? आनंद पंडित जी, बहुश्रुत, बहुश्रुत मतलब बहुत जानकारी है, तथागत भगवान बुद्ध की सेवा करने वाले उपस्थायक हैं, अपना क्लेश गंदगी सब खत्म कर दिया है। वो भिक्षु के पास कोई आश्रम नहीं है, सारे गंदगी खत्म हो गया, सारे गंदगी से मुक्त हो गया, सचमुच में वो उन्होंने बुझ गया, ठंडा हो गया, जन्म मृत्यु संसार से पार हो गया, ये उनके पास अभी अंतिम शरीर है। सूर्यवंश में जो सूर्यवंश वंश के जन्म लिए हुए तथागत भगवान बुद्ध की धर्म सुन के वो धर्म की ज्ञान उनका दिल में भरा के रहते हैं। गौतम गोत्र वाले आनंद भिक्षु निर्वाण के रास्ते पर रहते हैं। देखिए अभी तथागत भगवान बुद्ध की धर्म स्कंद 82,000 मुझे याद है, 82,000 उपदेश, एकदम एक भी अक्षर बिना गलत करके 82,000 उपदेश पूरा याद है। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध के शिष्य लोगों का 2,000 उपदेश मुझे याद है, सब मिला के 84,000 धर्म स्कंद, 84,000 उपदेश आनंद भक्ति का पूरा याद है। हम लोग को एक भी याद है? मुझे तो एक भी याद नहीं है, एक याद होगा दामपद का कोई एक गाथा, एक भी मतलब अरे उसका एक भी अक्षर भूलना नहीं चाहिए, वैसे याद है। आनंद भक्ति जी को 84,000 याद है,
तो कैसा है? ऐसा है तो पढ़ने वाले लोग, पढ़ाई करने वाले सरस्वती माँ को पूजा करता है ना, वो लोग एग्जाम में जाने के पहले, परीक्षा में जाने के पहले अरहंत सारिपुत्र बंति जी को, अरहंत आनंद बंति जी पूजा करके गया तो फायदा है, शुरुआत करना चाहिए नया। जिसके पास धर्म की ज्ञान नहीं है वो गाय बहिष जैसा बढ़ते जाता है, उसका शरीर में सिर्फ मांस बढ़ता है लेकिन उसका बुद्धि नहीं बढ़ता है। किसका? जिसके पास धर्म की ज्ञान नहीं है, भगवान बुद्धि की ज्ञान नहीं है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है लेकिन कोई कोई बहुश्रुत लोग हैं, दिमाग वाले लोग, अपने धर्म की ज्ञान से जो धर्म नहीं जानते उन लोग अपना वश में कर लेता है धर्म की ज्ञान से। उसके लिए एक उदाहरण बताया, हाथ में एक दिया लेके रहने वाले अंधा जैसा, अंधा जैसा, खुद को कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन दूसरों को दिखाई देता, इसीलिए धर्म की ज्ञान रख के उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए, बहुश्रुत लोगों के साथ ही संगत करना चाहिए। बहुश्रुत मतलब कौन है? बहुत धर्म की ज्ञान है, अलग अलग प्रकार की ज्ञान है, समाधि के बारे में, सील के बारे में, प्रज्ञा के बारे में, विमुक्ति के बारे में, अगर ऐसा बहुश्रुत लोगों के साथ संगत करेंगे तो कभी जो ज्ञान नहीं सुना वो ऐसा ज्ञान सुनने का मौका मिलता है। ये निर्वाण की रास्ता के लिए वो बहुत सहायता होता है, ऐसे बहुत जानकारी लोग के साथ निरंतर संगत किया तो, ऐसे हो गया तो अंत में धर्म ज्ञानी बन सकता है। तथा बहुत अच्छा से धर्म को अपना में उतार के देख सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति को धर्म अपने में उतार के देख सकता है मनन करके, तथा उसका अर्थ को मनन कर सकता है, विस्तार कर सकता है। वो व्यक्ति धर्म सुनता है अच्छा ढंग से, अपना जीवन उतार के देखने से ये धर्म समझ में आता है। जैसे में हम भगवान में कुछ ज्ञान बता देंगे तो देखिए ये शरीर गंदा है, तुरंत अपना शरीर याद आना चाहिए। कुछ भी ज्ञान सुनेगा तो सबसे पहले किन को सागर सोचेगा तो हाँ ये प्रिंस के लिए सेट हो गया, ये पूर्णबंदी जी के लिए सेट हो गया, ऐसा है। अगर हम प्रिंस के लिए बता देंगे तब भी सागर सोचना चाहिए मेरे लिए, अपने लिए सोचना चाहिए, तब ये धर्म समझ में आता है, नहीं तो नहीं। ऐसे करने से धर्म की रास्ता जाने का बहुत मन करता है, मेहनत करने का मन करता है। वो व्यक्ति ध्यान करने के लिए मेहनत करता है, अपना मन भी शांत करता है। बहुत धर्म सुनने के बाद धर्म की ज्ञान प्रज्ञावान बुद्धिमान भगवान बुद्ध के शिष्य लोग धर्म सुनने बहुत पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ, ऐसा श्रावक लोगों के साथ संगत करना चाहिए। महर्षि तथागत भगवान बुद्ध की धर्म की भंडार सुरक्षा करने करके रहने वाले बहुश्रुत धर्मधर पूजनीय वो भिक्षु पूरे संसार को आंख जैसा है। धर्म भंडार मतलब
धर्म का भंडार, सारे धर्म याद है, आनंद बनते हैं। वो पूरा दुनिया को आंख जैसा, आंख आंख का स्वभाव कैसा है, सब कुछ देख सकता है ना, पूरा दुनिया को सब कुछ देख सकता है उनका ज्ञान से। धर्म पे जीवन बिताने वाले, धर्म पे जीवन बिताने वाले मतलब जैसा धर्म है उसी प्रकार वो रहता है, गलत ढंग से नहीं। धर्म पे रथ होके रहने वाले, रथ होके मतलब बहुत मन लगता है धर्म पे, धर्म ही मनन करके रहने वाले वो व्यक्ति कभी पतन नहीं होता है। कौन पतन नहीं होता है? धर्म के अनुसार आचरण करता है, धर्म पे रथ हो गया, धर्म मनन करते रहता है वही। शरीर के बारे में लोभ करके, शरीर को इज्जत सत्कार सम्मान करके रहने वाले व्यक्ति, शरीर पतन होने से वो भी आदमी पतन हो जाता है। इसीलिए शरीर सुख के बारे में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा कल्याण मित्र है अरहंत सारिपुत्त बनते जी, उनका परिनिर्वाण के बारे में सुनने के बाद, परिनिर्वाण मतलब मृत्यु, परिनिर्वाण के बारे में सुनने के बाद मुझे हर दिशा नजर नहीं आने लगा, धर्म भी सब भूल गया, मुझे लगा कि पूरा संसार अंधेरा हो गया जैसा। इसका मतलब इतना दुख हुआ ना, मतलब हम लोग कहते कुछ नहीं हमको दिखता है, दुख आने के बाद वैसा दुख आ गया। कल्याण मित्र लोग का मृत्यु होने के बाद तथागत भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण भी होने के बाद सचमुच में मेरे लिए कायानुपासना जैसा और कोई मित्र नहीं है। कल्याण मित्र लोग भी छोड़ के जाने के बाद, भगवान बुद्ध भी छोड़ के जाने के बाद क्या है उनका कल्याण मित्र? कायानुपासना जानते हैं कायानुपासना क्या है? कायानुपासना वो है होश में रहते हुए आता है जाता है, बात करता है, ध्यान करता है, हमेशा होश में रहता है ना, वो कायानुपासना। अभी वो पुराना मित्र लोग मेरे पास नहीं है, नया नया दोस्त लोग मेरे लिए सेट भी नहीं होता है, मेरे साथ मिलता नहीं है। इसीलिए बारिश से बचने के लिए जो पिंजरा में आया हुआ चिड़िया जैसा हम अकेले ध्यान करते हैं। सुंदर उदाहरण है, बारिश से बचने के लिए पिंजरा में आए हुए चिड़िया जैसा हम अकेले ध्यान करते हैं। बहुत बहुत जगह से, हर दिशा से बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। उन लोगों को मत रोकिए जो धर्म सुनने में पसंद हैं, उन लोगों को हमेशा मेरा साथ मुलाकात हो, अब उसके लिए समय हो गया। बहुत जगह से लोग तथागत भगवान बुद्ध को दर्शन करने के लिए आया था, तो भगवान बुद्ध सारे लोगों को अपना दर्शन दिखाया, प्रवचन दे दिया, धर्म की ज्ञान तथागत भगवान बुद्ध उन लोगों को कभी रोका नहीं। हम 25 साल तक शेख भिक्षु मतलब सुधरने वाले भिक्षुता धर्म की रास्ता पे, ये धर्म का आश्चर्य देखिए। अब मेरा मन में काम के बारे में एक बूंदा मात्र विचार नहीं है। 25 साल तक हम शेख भिक्षु जीवन बिताया, ये धर्म का आश्चर्य देखिए। वो 25 साल में जो 25 साल अरहंत नहीं सोता पन सिर्फ था, लेकिन काम का एक बूंदा मात्र उनका मन में उत्पन्न नहीं हुआ, आश्चर्य है। 25 साल तक अरहत प्राप्त करने के पहले उनका मन में क्रोध गुस्सा का एक बूंदा क्रोध गुस्सा उत्पन्न नहीं हुआ। 25 साल तक हम भगवान बुद्ध को सेवा किए हैं मैत्री मन से,
हम भगवान बुद्ध के साथ रहा उनका छा जैसा, फर छा जैसा। तथागत भगवान बुद्ध को हम मैत्री वाणी से ही सेवा किया, उनके साथ हम रह गए छा जैसा। 25 साल तक भगवान बुद्ध को हम मैत्री मन से सेवा किया, हम उनके साथ रह गया उनका फर छा जैसा। तथागत भगवान बुद्ध चक्रमण ध्यान करते समय मैं भी उनके पीछे चक्रमण ध्यान कर रहे थे। उस समय उन्होंने प्रवचन दे रहा था, उससे मुझे ज्ञान मिल गया। अब तक हम निर्वाण को प्रैक्टिस करने वाले भिक्षु हैं, अभी भी बहुत चीज है करने के लिए, अभी तक अरहत प्राप्त नहीं किया, लेकिन सारे देवमानों को जो दया किया है उन तथागत भगवान बुद्ध अभी परिनिर्वाण होने के लिए तैयार है। सारे गुण से परिपूर्ण तथागत भगवान बुद्ध परिनिर्वाण होने के बाद पूरा धरती डोलने लगा, बहुत जोर से आवाज जाने लगा, महाऋषिवर तथागत भगवान बुद्ध की धर्म भंडार का बहुश्रुत धर्मधर अरहंत आनंदवंती जी भी परिनिर्वाण हो गया। महाऋषिवर तथागत भगवान बुद्ध के धर्म भंडागार बहुश्रुत धर्मधर आनंदवंती जी आंख जैसा है, पूरा दुनिया का अंधेरा दूर कर देता है। ज्ञान वाले, होश में रहने वाले, बलवान प्रज्ञा वाले ऋषिवर आनंदवंती जी धर्म की मणि सुरक्षा करने वाले महा प्रज्ञावान है। मैं भी तथागत भगवान बुद्ध गौरव से संगत किया, बुद्ध शासन को संपूर्ण किया, गंदगी का भारी उठा के फेंक दिया। अब मुझे पुनर्जन्म नहीं है।